गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यंग साइंटिस्ट करेंगे। आप सब अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे हो ना स्टूडेंट्स? गुड स्टूडेंट्स, आप सब मेरे साथ पेज नंबर 15 ओपन करो। कर लिया सभी ने? स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से पता है कि हमने चैप्टर 2 पूरा रीड कर लिया था और उसे अच्छे से समझा भी था, याद है ना? स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 15 पर चार्ट के थ्रू चैप्टर 2 को फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है? आप सबको पेज नंबर 15 पर चार्ट शो हो रहा है ना? ये देखो, ये क्या है? चैप्टर 2 का चार्ट है जिसके थ्रू हम इसे और अच्छे से समझते हुए रिवाइज करेंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझना। अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर का क्या नाम है। क्या नाम है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, बताओ? गुड, इस चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। क्या है? पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने प्लांट के पार्ट्स को स्टडी किया था ना? आप सबको याद होगा कौन कौन से पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स इसके, याद है ना? यस, आप सबको तो याद है, आप सबने चैप्टर रीड किया है। अब आप मेरे साथ फिंगर रखकर फिर से रिवाइज करो। कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के, बोलो? रूट, स्टेम, लीव, बर्ड, फ्लावर्स, फ्रूट्स और क्या है? सीड्स। आई होप आपको याद आ गया कि ये सब क्या है, पार्ट्स हैं किसके, प्लांट्स की, है ना? याद आया? गुड स्टूडेंट्स, प्लांट का फर्स्ट पार्ट है रूट। रूट क्या करता है आप सबको अच्छे से पता है। रूट प्लांट को होल्ड करता है ना? आपने चैप्टर जब रीड किया था मेरे साथ तब आपने समझा था रूट क्या करते हैं। रूट प्लांट को होल्ड करते हैं। और रूट कहाँ ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता है? कहाँ करते हैं बताओ? मिट्टी के नीचे, ठीक है? रूट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है? और रूट क्या है? पार्ट है किसका, प्लांट का। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे प्लांट का, वो क्या है? स्टेम। स्टेम में ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि स्टेम प्लांट के मिड में होती है, वो भी ग्रीन कलर की, पता है ना? यस, आप सबको तो पता है। नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का लीफ। लीफ क्या है आपको ये भी पता है, मैं आपको फिर बताऊंगी स्टूडेंट। फिंगर रखो मेरे साथ और बोलो, ग्रोज ऑन द स्टेम। लीफ ग्रो करती है स्टेम पर, पता है ना स्टूडेंट्स? यस, आप सबको पता है। और आपको ये भी याद होगा स्टूडेंट्स, लीफ को हम प्लांट का क्या कहते हैं, किचन। क्यों? क्योंकि लीफ जो है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है? इसीलिए हम लीफ को क्या कहते हैं, किचन कहते हैं प्लांट का, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो क्या है? बर्ड। क्या है स्टूडेंट्स? बर्ड। बर्ड को हम कली कहते हैं, पता है ना आप सबको? आप सबने अच्छे से देखा है स्टूडेंट्स, देखा है ना बर्ड को? मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाया था, बर्ड को आपने देखा है पिक्चर में स्टूडेंट्स। बर्ड से फ्लावर ब्लूम करता है, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है ना? प्लांट में क्या आएगा सबसे पहले? बर्ड,
और बर्ड से फ्लावर ब्लूम करेगा, ठीक है। जब वो अच्छे से ग्रो कर रहा होगा तो उसमें लीव्स होंगी। लीव्स के बाद क्या आएगा बताओ? बर्ड, और बर्ड से फ्लावर ब्लूम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फ्लावर्स। फ्लावर्स आपको पता है कलरफुल होते हैं, पता है ना। और फ्लावर्स के एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ फिंगर रखकर रीड करो। रोज, मैरीगोल्ड, जास्मिन, लिली, ये सब क्या है? फ्लावर्स के एग्जांपल हैं। आप सबने फ्लावर्स अच्छे से देखे हैं, याद है ना आप सबको? आप सबने अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में भी इन फ्लावर्स को देखा हुआ है, देखा है ना। और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि पहले बर्ड होगा और बर्ड से फ्लावर ब्लूम करते हैं, ठीक है, याद है ना आप सबको? गुड। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्या पार्ट है? फ्रूट्स। फ्रूट्स तो आप सब डेली खाते हो ना। अब हम फ्रूट्स का नेचर स्टडी करते हैं। क्या है बोलो? जूसी होते हैं, फ्लैशी और स्वीट होते हैं, टेस्ट में होते हैं ना स्टूडेंट्स। ऐसे फ्रूट्स जिनमें वन सीड होता है उसे हम वन सीडेड फ्रूट्स बोलते हैं। ऐसे फ्रूट्स जिनमें एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं उन्हें हम मैनी सीडेड कहते हैं। उनके एग्जांपल्स क्या हैं मेरे साथ रिपीट करो? सबसे पहले हम वन सीडेड के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। बोलो मैंगो, प्लम, एप्रिकॉट। अब हम मैनी सीडेड के करेंगे, फिंगर रखो, बोलो मैनी सीडेड के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? पपाया, वाटरमेलन, एप्पल, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? मैनी सीडेड। जिन फ्रूट्स में एक सीड होता है उसे हम वन सीडेड कहेंगे। जिन फ्रूट्स में एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं उसे हम मैनी सीडेड कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका लास्ट पार्ट है सीड्स। क्या है सीड्स? आप सबको अच्छे से पता है कि फ्रूट सीड को कवर करके रखता है लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है। आपको मैंने चैप्टर जब रीड करवाया था आप सबको बताया था सीड में क्या होता है? बेबी प्लांट। और सीड को कवर कौन करता है? फ्रूट, बताया था ना। और सीड्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप्स और कलर्स होते हैं। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ईट कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम ईट नहीं करते, बताया था ना। आई होप आप सबको याद आ गया कि सीड में क्या क्या होता है, सीड को कवर कौन करता है, इनके साइज, शेप्स और कलर्स डिफरेंट होते हैं, ये सब आपको पता लग गया। मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स, सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है अगर उसे एयर, वाटर और सनलाइट मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेबी प्लांट में, बताया था ना। आई होप आपको पता लग चुका है इसके बारे में। अब मैं आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज रिवाइज करवाऊंगी। आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 16 ओपन करो। आप सबने ओपन कर लिया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हमने अभी इस चैप्टर को रिवाइज किया, अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी मेरे साथ इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज रिवाइज करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला क्या है? इसमें सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है स्टूडेंट्स? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आप सभी इन सब के आंसर्स
जानते हो, मुझे पता है। अब आप सब मेरे साथ इन्हें रीड करके इनके आंसर रिवाइज करना फिर से, ठीक है। फॉलो द अंडरग्राउंड पाथ ऑफ ए प्लांट इज। अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? रूट, बताया था ना रूट। अगर ये भी पूछता कि ये बताओ प्लांट का कौन सा पार्ट है जो प्लांट को होल्ड करता है, तब भी आपका आंसर क्या होता? रूट। अब यहाँ पर वो अंडरग्राउंड पार्ट पूछ रहा है तो भी इसका आंसर क्या है? रूट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज mostly green but is of different shapes and sizes। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? ज़्यादातर ग्रीन होगा लेकिन उसकी शेप्स और साइज डिफरेंट होगी, क्या है वो बताओ? रूट, स्टेम या फिर लीफ। आप सबको अच्छे से पता है कि वो लीफ है, पता है ना। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, फिंगर रखो, बोलो द ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज। अब आपसे पूछ रहा है कि ब्राइट और कलरफुल पार्ट प्लांट में किसका है? रूट का है, फ्लावर का है या फिर स्टेम का है? फ्लावर का है ना। याद है ना आपको कि सबसे पहले प्लांट में बर्ड होगा, बर्ड किसमें कन्वर्ट होता है? फ्लावर में। जब आपका प्लांट अच्छे से मैच्योर हो जाता है तो उसमें सबसे पहले बर्ड आएगा और बर्ड के बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा? फ्लावर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स, फिंगर रखो फर्स्ट पर, बोलो बर्ड is not part of a plant। कह रहे कि बर्ड प्लांट का पार्ट नहीं है, ये तो गलत है ना। जब गलत है तो आपको पता है आपने क्या फील करना है? फॉल्स। नेक्स्ट देखो, मैंगो has many seeds। कह रहे हैं मैंगो में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है, मैंगो में तो वन सीड होता है। इट मीन्स ये गलत कह रहा है, आंसर क्या होगा? फॉल्स। आगे देखो, रूट्स hold the plant in the soil। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? रूट्स होल्ड करके रखता है प्लांट को मिट्टी के अंदर, याद है आपको? यस, याद है। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, स्टेम बियर्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम बियर करती है इन सबको, याद है ना आप सबको? यस, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। स्टूडेंट्स, अब आपको इनके मैच भी मेरे साथ बताने हैं, ठीक है। देखो क्या है, फर्स्ट दिस पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन्स सीड्स। आप सबको पता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सीड्स को कंटेन करता है, जिसमें सीड्स होते हैं, कौन सा पार्ट है? फ्रूट, बताया था ना जब हमने रिवाइज किया है। आगे देखो, दिस पार्ट ऑफ प्लांट ब्लूम्स इनटू ए फ्लावर। कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फ्लावर में ब्लूम करता है, ठीक है, वो है बताओ? बर्ड। बर्ड क्या करता है? फ्लावर में कन्वर्ट होकर ब्लूम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोज इन द सॉइल। ये पार्ट है प्लांट का जो ग्रो करता है सॉइल में, बताओ कौन सा पार्ट है स्टूडेंट? यस, वो है रूट। आगे देखो, दिस पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, बताओ ये पार्ट ग्रो करता है न्यू प्लांट में, क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर सीड। आपको याद है सीड के अंदर क्या होता है? बेबी प्लांट। अगर उसे
क्या मिले, एयर, वाटर और सनलाइट मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में ग्रो करता है, बताओ? प्लांट में, याद आया? अब हम नेक्स्ट करते हैं, फिंगर रखो, बोलो, दिस पार्ट ऑफ प्लांट इज जनरली ग्रीन, बताओ क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है लीव। एक लीव ऐसा पार्ट है जो कि जनरली ग्रीन होता है, अक्सर ग्रीन कलर का ही होता है, पता है ना? आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी के नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आप सबको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आते हैं ना? देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं प्लांट के। आपको पता है चैप्टर ही प्लांट का पार्ट्स पर है, तो आपको ये अच्छे से आते हैं ना? इसी का जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ रीड करो, व्हाट ऑल थिंग्स डज ए बेबी प्लांट नीड टू कम आउट। बेबी प्लांट को बाहर आने के लिए कौन कौन सी थिंग्स की नीड होती है, पता है आपको? एयर, वाटर और सनलाइट, पता है ना? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेम टू फ्रूट्स। आपको दो फ्रूट्स बताने हैं, ठीक है? नेम बताना है उनका, वो आपको क्वेश्चन पढ़कर बताना है। देखो, विच हैव ओनली वन सीड, जिनके पास एक ही सीड है उनके नेम बताने हैं यहाँ पर। उसके जस्ट नीचे है विच हैव मैनी सीड्स, जिनके पास मैनी सीड्स हैं उनके नाम यहाँ बताने हैं। आई होप आपको इन सब के नाम अच्छे से पता है। वन सीड में मैंगो प्लम होगा, मैनी में पपाया वाटरमेलन। आपको याद ये रखना है कि वन सीड वाले फ्रूट्स कौन से होते हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसी तरह मैनी सीड्स में भी। स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर 17 में एक और काम भी है जो आपको खुद से करना है स्टूडेंट्स, वो क्या है, अनस्क्रैम्बल दिए हुए हैं नीचे, आगे पीछे करे हुए हैं लेटर्स को, इन्हें अच्छे से अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखो जैसे इसको हमने अरेंज किया तो क्या बना, रूट, इसे किया तो फ्लावर, इसे किया तो स्टेम। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया। अब आपको स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 और 17 अपनी नोटबुक पर सुंदर राइटिंग में करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले चैप्टर को रीड कर लेना, समझ लेना, और फिर 16 और 17 करना, ताकि आपको प्रॉब्लम लर्न करने में ना आए, ठीक है? और आई होप स्टूडेंट्स आपने अपने होमवर्क को अच्छे से सुना। मैं फिर बता रही हूँ, पेज नंबर 16 और 17 आपको अपनी नोटबुक पर सुंदर राइटिंग में करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।